अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने तो यहां पर सराहा है जो भी कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने, लेकिन आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ के हिसाब से ये पॉलिसीज, ये नियम ठीक नहीं है, क्योंकि वो विरोध में सड़कों पर हैं। अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ श्रमिक महारैली निकाल रहा है। इस संघ का कहना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियां गरीब विरोधी हैं, श्रमिक विरोधी हैं यानी एंटी लेबर हैं, और कर्मचारी विरोधी हैं। मजदूर संघ डिसइन्वेस्टमेंट और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को भी बंद करने की मांग कर रहा है। नोटबंदी से प्रभावित हुए लाखों मजदूरों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा न होने से भी मजदूर संघ नाराज है, और अपनी मांगों के साथ मजदूर संघ का एक प्रतिनिधिमंडल आज वित्त मंत्री से भी मिलने जा रहा है। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की जय। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ की श्रमिक महारैली में हजारों कार्यकर्ता आए हैं देश के कोने कोने से। मेरे साथ ब्रजेश उपाध्याय हैं। क्या मांग है आपकी, क्या रखना चाहते हैं मांग आप इस प्रदर्शन के जरिए सरकार के सामने? हमारी मांग है कि सरकार आर्थिक नीतियों में पैराडाइम शिफ्ट लाए। आजादी के बाद से जो आर्थिक नीतियां देश में अख्तियार की गई हैं, उससे गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। 70 सालों में कोई इंप्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है देश में। आज 67% सरकार के पास कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयमेंट पे हैं लोग। उनको समान काम का समान दाम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, न्यूनतम वेतन नहीं मिलता। पब्लिक सेक्टरों का डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन आता है। 1975 से आंगनबाड़ी स्कीम काम कर रही, वो वर्कर है लेकिन टेक्निकली उनको वर्कमैन का दर्जा नहीं मिलता। और सरकारी कर्मचारियों की पे कमीशन की जो एनोमलीज है, एक पे कमीशन से दूसरे पे कमीशन में लगातार शिफ्ट हो रही है, और ये सब इल इफेक्ट है इकोनॉमिक पॉलिसी का। इसीलिए कौन सी नीतियां हैं सरकार की जिसका आपको लगता है कि मजदूरों पर बुरा असर पड़ रहा है? कुल मिलाकर के पूरी की पूरी आर्थिक नीति देखिए, मजदूर अब बताएं नीतियां बताएं कौन सी नीतियां हैं। ये जो बिजनेस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो आर्थिक नीतियां हैं जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसके कारण लॉ इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हमको गरीबी बढ़ती जा रही है, ऐसी सब नीतियां ये कुल मिलाकर एफडीआई एफडीआई को लेके एफडीआई है, डिसइन्वेस्टमेंट है, लेबर लॉ रिफॉर्म्स है, ये सब सवाल है, ये सब सवाल है। आपने रोजगार का सवाल उठाया, क्या रोजगार पैदा नहीं हो रहा अर्थव्यवस्था में लगातार? ये तो गवर्नमेंट खूब बता रही है। मोन्टेक सिंह आहलूवालिया ने उस समय बताया, मैं आजादी के बाद मैं बचपन में नारा सुनता था, मुझे वोट दो सबको रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, लेकिन बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है सरकार की नीतियों की वजह से। आजादी के बाद से जो नीतियां आई उन नीतियों का परिणाम है बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। क्या आप अपनी मांगों को प्रधानमंत्री के सामने भी रखना चाहते हैं? आज हमको दोपहर के बाद जो चेयरमैन है इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप जो लेबर का है अरुण जेटली जी, उन्होंने हमारे प्रतिनिधिमंडल को इन्वाइट किया, उनके पास हम मिलने जाएंगे। पिछले साल सरकार ने वादा किया था जो आपकी चार्टर ऑफ डिमांड्स थी, कितनी डिमांड्स पूरी हुई है? उसमें से कुछ बातें पूरी हुई हैं, कुछ बातें अभी भी अधूरी हैं। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सर, मोदी 13 साल बाद भारत को अपडेट कर रही है, लेकिन आपकी संगठन सर बीएमएस यहीं पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे मजदूरों नीतियों और आपकी नीतियों के खिलाफ। आज वो मुझे मिलने वाले हैं और मैं उनको मोदी की रिपोर्ट भी देने वाला हूँ।